नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। वे डरे हुए हैं और उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ डराना है। कम से कम दिल्ली दंगों के बारे में जिस तरह से जांच चल रही है और जिस तरह से चुन चुन के नाम मीडिया में बाहर आ रहे हैं, बाहर किए जा रहे हैं, उससे मकसद बहुत साफ है दिल्ली पुलिस का, केंद्र में बैठी मोदी सरकार का, कि जितने लोग आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन सबको निशाने पर लिया जाए। दिल्ली में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, किस तरह से दिल्ली पोग्राम किया गया, सुनियोजित ढंग से सांप्रदायिक हिंसा की गई और बिल्कुल उसी तरह से इसके इर्द गिर्द गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमने देखा कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र उमर खालिद की गिरफ्तारी इसी मुतल्लिक की गई। हमने देखा है कि देश की राजधानी को जलाने वाले कौन लोग थे। हम जानते हैं गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को नारा भाजपा के कपिल मिश्रा सहित कौन कौन लोग लगा रहे थे। सब कुछ कैमरे में था, बहुत से और भी कैमरे में फुटेज हैं। सारी चीजें होने के बावजूद किन लोगों के नाम सामने उछाले जा रहे हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढंग से कुछ नाम बाहर आते हैं। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का नाम आया, स्वराज पार्टी से जुड़े हुए योगेंद्र यादव का नाम सामने आया, अर्थशास्त्री जयति घोष का नाम सामने आया, फिल्म मेकर और लगातार नफरत के खिलाफ कैंपेन कर रहे, अमन की बात करने वाले फिल्म मेकर राहुल रॉय का नाम सामने आया। और ये सब कुछ मीडिया में ऐसे आया, ऐसे भेजा गया, ऐसे प्रचारित और प्रसारित किया गया, मानो ये लोग भी हिंसा करने वाले, हिंसा को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं। जब इस पे हंगामा हुआ तब उन्होंने साफ कह दिया कि अरे नहीं, ये तो एक जो व्यक्ति गिरफ्तार है उसके बयान का हिस्सा था, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि यह कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर यह एडमिसिबल एविडेंस नहीं था, तब जिस तरह से इसके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स खेली गई, जानबूझकर इसके बारे में बातचीत की गई, उसका मकसद बहुत साफ है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जिन लोगों की बाद में गिरफ्तारियां हुई, जिसमें उमर खालिद भी शामिल हैं, उनका नाम भी इसी तरह से क्रम में आया। अपूर्वा नंद का नाम लंबे समय से इसी तरह से हमारे बीच में उछाला जा रहा है। ये जो तमाम नाम अभी आए हैं, इसमें अपूर्वा नंद भी हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जिस समय दिल्ली जल रही थी, ये तमाम नाम प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे इस दिल्ली को जलने से बचाने में अपना अपना छोटा योगदान दे रहे थे। और यह सब ऑन रिकॉर्ड है, कौन कहां क्या कर रहा था इस बारे में कहीं कोई भ्रम नहीं है। जिन लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, चाहे वो पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता हो या सफूरा जरगर इससे पहले जो गिरफ्तार की गई, उनके बारे में भी इस तरह का कोई एविडेंस अभी तक दिल्ली पुलिस सामने नहीं ला पाई है। सवाल है, आखिर मकसद क्या है दिल्ली पुलिस का इस तरह से इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सीपीएम के महासचिव को टारगेट पर लेना, निशाने पर लेना। एक पूरी की पूरी रणनीति है। इस रणनीति में जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो असहमति के स्वर रखने वाले लोग हैं, उन्हें ही दंगाई बनाने की साजिश है। यानी इधर जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें ही दिल्ली पुलिस मान रही है, मनवाने की कोशिश कर रही है कि असल में दंगाई यही है। और इस बारे में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने जो कहा, उसे सुना जाना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि आखिर दिल्ली पुलिस किस बात की जांच कर रही है? क्या वह तथाकथित दिल्ली दंगों की जांच कर रही है कि किस तरह से किन लोगों को इसमें फ्रेम किया जाए, इसकी जांच कर रही है? या यह सब करते हुए हिंसा के जो असली दोषी हैं, उन्हें बचाने का रास्ता दिल्ली पुलिस खोज रही है? सीताराम येचुरी
यह साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि दिल्ली पुलिस का मकसद उन लोगों को निशाने पर लेना है जो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ बहुत तेजी से काम कर रहे थे, अपने स्वर बुलंद कर रहे थे। सारी की सारी जांच उन लोगों के इर्द गिर्द ही की जा रही है, उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है, उन्हें ही अरेस्ट किया जा रहा है। और वो अंत में यह कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, संविधान को बचाना बतौर भारतीय नागरिक उनका पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है, और अपनी आवाज उठाना उनका फंडामेंटल राइट अधिकार है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव, अपूर्वानंद, जयती घोष या राहुल राय, ऐसे तमाम लोग, क्योंकि यह केस बहुत ओपन एंडेड रखा गया है, हमें जब मन आता है तब दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ नाम मिल जाते हैं, कुछ लोगों के फोन जब्त किए जाते हैं। इससे पहले भाकपा माले की कविता कृष्णन का नाम आया था, आयशा की जो नेता रही हैं, कमलजीत कौर का फोन सीज किया गया था, और लंबी फहरिस्त है यह। और सवाल यह है कि इन तमाम लोगों के नाम जिस तरह से दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं, उसकी कहानी बिल्कुल बिल्कुल साफ है। ये तमाम लोग वो हैं जो मोदी सरकार और अमित शाह सरकार से डरे नहीं, बहुत निर्भीक होकर जिन्होंने गलत को गलत कहा, जिन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून जिस तरह से लाया गया, जिस तरह से बनाया गया, वह देश के संविधान के खिलाफ है। और आप देखिए कि इसी समय जो दूसरी जांच रिपोर्ट हमारे सामने आती है वह क्या कहती है, वह है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट, जिसकी जो चेयरपर्सन है उन्हीं के खिलाफ मामला बनाने में दिल्ली पुलिस ने बहुत उत्सुकता दिखाई थी। उनकी जो रिपोर्ट है वह भी बहुत साफ शब्दों में कहती है कि दिल्ली को एक सुनियोजित साजिश के तहत जलाया गया। दिल्ली उस समय जली जिस समय दिल्ली में चारों तरफ नागरिकता संशोधन के खिलाफ आवाज उठ रही थी, आंदोलन हो रहे थे, ठीक उसी समय एक सुनियोजित ढंग से एक समुदाय को टारगेट करने के लिए दिल्ली को जलाया गया। दिल्ली पुलिस भी नतीजे से पहले ही, जांच से पहले ही एक नतीजे पे पहुंची हुई दिखाई देती है। उसका मकसद बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जितने भी लोगों के नाम उस समय आए, जिनके नाम हमने शुरू में लिए, जिन लोगों के वीडियोस हैं, जो लोग खुलेआम चाहे वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के भड़काऊ भाषण दे रहे हों या नॉर्थ प्लेस में भड़काऊ भाषण और रैलियां निकाल रहे हों, गोली मारने की खुलेआम आह्वान कर रहे हों, इन तमाम लोगों के खिलाफ एक शब्द, एक चार्जशीट, एक नाम लेने का दिल्ली पुलिस का साहस नहीं है। यहां यह सवाल उठाना बेहद जरूरी है कि आखिर किस तरह से उन तमाम लोगों के नाम मीडिया के जरिए बाहर लाए जा रहे हैं, उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है, जिनकी भूमिका के बारे में दिल्ली पुलिस एक शब्द भी अपने बयान में नहीं कह पाई। मकसद तो कुछ होगा ही, ऐसे ही कोई चीज तो कहीं नहीं आ जाती। किसी मकसद के तहत ही सीताराम येचुरी का नाम लिया गया होगा, किसी मकसद के तहत ही मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की धज्जियां उड़ाने वाली, बहुत ही क्रिटिक पेश करने वाली जयती घोष का नाम लिया गया होगा, किसी मकसद के तहत ही अपूर्वानंद को निशाने पे लेने की कोशिश होगी, और राहुल रॉय जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, और इस दिल्ली में और बाकी जगहों पे मॉब लिंचिंग की कितनी भी वारदातें हुई हों, हर एक पे उन्होंने एक अभियान चलाया, नॉट इन माई नेम, जो बहुत असरदार रहा। आखिर इन सब लोगों से दिल्ली पुलिस को और दिल्ली में बैठी सरकार को क्या तकलीफ हो सकती है? मकसद साफ है, यह मैसेज देना, यह संदेश देना कि निशाने पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं होगा, निशाने पे वे सब होंगे, वे सब हैं जो उत्पीड़ित व्यक्ति की भारतीय नागरिकों के पक्ष में खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं। यह सब उस समय हो रहा है जिस समय भारतीय मीडिया लंबलेट है,
लगातार खबरें एक ही ढंग से दिखाई जा रही हैं, एक आत्महत्या राष्ट्रीय खबर न जाने कब से बना हुआ है। ठीक ऐसे समय हम पाते हैं कि दनादन सिर्फ दो मामलों में केंद्र के गृह मंत्रालय को इंटरेस्ट है। पहला जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा, और दूसरा भीमा कोरेगांव केस। दोनों का पैटर्न बिल्कुल एक है। हम इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हम पाते हैं, और आप भी थोड़ी सी कुछ पन्ने पलटिए, कोई ज्यादा उसमें जांच पड़ताल करने की जरूरत भी नहीं है, एक के बाद एक भीमा कोरेगांव केस में उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन तमाम लोगों की जिंदगियां बर्बाद की गई जिनका सीधा सीधा ताल्लुक भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी उससे अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है। यानी जो जांच एजेंसियां हैं अभी तक चार्जशीट नहीं कर पाई हैं, एक सबूत पेश नहीं कर पाई हैं, लेकिन दनादन गिरफ्तारियां हो रही हैं। पार्लियामेंट में प्रश्नकाल नहीं हो सकता, सवाल नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि कोरोना जैसा अभूतपूर्व समय है, वहां सवाल पूछने से कोरोना हो जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन गिरफ्तारियों पे कोई कोरोना का असर नहीं है। इन तमाम नामों के इर्द गिर्द जो खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, वहां कोई कोरोना का असर हमें नहीं दिखाई देता। एक बात जो बहुत कंक्रीट, बहुत ठोस रूप से सामने आ रही है कि ये जो दो केसेस चल रहे हैं देश में, इससे भारत की जो सरकार है वह यह तय कर रही है कि किस तरह से जो डिसेंट है, जो असहमति के स्वर हैं, उनको कुचला जा सकता है, उनको नकेल उनमें डाली जा सकती है। दोस्तों, यह बात बहुत साफ है कि किसे सबक सिखाने की कोशिश हो रही है और जनता किसे सबक सिखाना चाह रही है। स्थितियां वैसी ही नहीं हैं जैसी दो साल पहले थी। धीरे धीरे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और शायद यही वजह है कि वे डर रहे हैं उन तमाम लोगों से जो उनसे नहीं डरते। क्योंकि जैसा कि गौरव पांडे ने कहा था, किस बात से डरते हैं वे? वे डरते हैं कि एक दिन निहत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। हमें साफ तौर पे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा मामला बनाया जा रहा है, जिस तरह से नाम आ रहे हैं, जिस तरह से नाम पेश किए जा रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोग विरोध में बोलना, बात करना बंद कर दें। लेकिन शायद होगा और हो रहा है बिल्कुल इसके उलट, क्योंकि लोग जो बोल रहे हैं वह बोलते रहेंगे, क्योंकि वे देश को प्यार करते हैं, उनका कमिटमेंट देश से है, हमारा वादा देश के संविधान से है। इसलिए सच को जिंदा रखना बेहद जरूरी है इन चुनौती भरे क्षणों में, इस चुनौती भरे दौर में। शुक्रिया। Thank you.